सर्दियां जब आती हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस सा खाने का मन करता है और मन हमारा चटोड़ा हो जाता है। तो आज मैं आपको ब्रेड और चावल के आटे की एक ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ जिसको अगर एक बार बनाएंगे तो देखना आपका ये फेवरेट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, किचन अर्चना का मैं आपका स्वागत है। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में एक चम्मच तेल डाल देंगे, फिर एक चम्मच जीरा डाल के क्रैक होने तक इंतज़ार करेंगे, फिर एक कप पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसमें डालेंगे एक चम्मच भर के चिली फ्लेक्स, अगर तीखा नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें हरा धनिया डाल देंगे या हरे धनिया की जगह पर आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, पर क्योंकि सर्दियां हैं तो हरी धनिया बहुत आती है तो आप ज़रूर हरी धनिया ही डालें। अब इसमें उबाल आने का इंतज़ार करेंगे, उससे पहले इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे ताकि नमक अच्छे से पानी के अंदर मिक्स हो जाए। अब देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से ये पानी जो भी हमने चीज़ें डाली थी वो खोलने लगा। तो यहाँ पे तो ब्राउन ब्रेड मैं डाल रही हूँ, अगर आपके पास ब्राउन ब्रेड नहीं है तो जो ब्रेड आप खाते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक स्पैचुला लेंगे और इसको ऐसे चलाते जाएंगे ताकि ब्रेड जो हमारा जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो देख सकते हैं ब्रेड को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इस स्टेज पे इसको ऐसे ही चलाते जाएंगे ताकि इसका एक अच्छा सा डोप तैयार हो जाए। अब यहाँ पे ये गीला लग रहा है तो यहाँ पे मैं एक चम्मच भर के चावल का आटा ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो चावल का आटा ऐड करें क्योंकि चावल का आटे से ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी लगता है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ग्राइंडिंग जार में डाल के उसको पीस के इसमें डाल सकते हैं। अब ये अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रख देंगे 2 मिनट तक ताकि जो हमने चावल का आटा डाला है वो भी पक जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बड़ा सा बाउल ले लिया है और 5 मिनट हो गए हैं तो वो जो डोप था उसको मैं इसमें बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी ताकि ये डोप अच्छे से ठंडा हो जाए, क्योंकि अभी गरम गरम इसका यूज़ करेंगे तो फिर हाथ में चिपकने लगेगा और ठंडा होने पर ये थोड़ा सा और सख्त हो जाएगा, मतलब जो अभी गीला लगता है। तो देख सकते हैं अभी ये अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है, तो हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि ये चिपके नहीं। तो यहाँ पे मैंने हाथों में थोड़ा सा, कोई भी आप तेल लगा सकते हैं, थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, फिर अच्छे से इस डोप को मैश करेंगे ताकि जो भी हमने ब्रेड डाले हैं वो अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए, कहीं पे बड़ा बाइट या छोटा बाइट नहीं है, इक्वल तरीके से मिक्स हो जाए। इसलिए तेल लगा के करेंगे तो हाथों में ये चिपकेगा नहीं। तो अभी यहाँ पे हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसमें हम उबले हुए आलू डाल देंगे और एक बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। थोड़े से तीखेपन के लिए हरी मिर्च डालेंगे, अगर तीखा नहीं पसंद है तो उसको भी हटा सकते हैं। और ढेर सारा धनिया पत्ता डालेंगे और थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, क्योंकि हमने पहले भी उसमें डाला था तो उसी हिसाब से आप नमक डालिए। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि जो भी हमने ऊपर से इसमें सामान डाले हैं वो भी इस डोब में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और सारी चीज़ों का फ्लेवर हमें हर बाइट में मिले। इसको मिक्स करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है और बनाना भी बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो ये देख सकते हैं ये अभी अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको मिक्स करके रख दिया है। तो अभी हम वापस एक बाउल में तेल ले लेंगे और भी बीच में हाथों में तेल लगा लगा के इसको एक अच्छा सा डिज़ाइन, एक अच्छा सा शेप बना के तैयार करेंगे। तो एक लोई जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसा ले लेंगे, उसको राउंड कर लेंगे, फिर ये जो मथानी आती है ना, जो विश बोलते हैं वो आती है, उससे हम इसका डिज़ाइन करेंगे और ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई समझ ही नहीं पाएगा कि इसको आपने कैसे बनाया, सब देखते रह जाएंगे कि आपने ये सब बनाया कैसे। और ये बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, ये आपने देख ही लिया। तो इसी तरीके से सारी हम ऐसे ही गोलियाँ बना लेंगे और उनको अच्छा सा डिज़ाइन दे देंगे। देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है।
तो देख सकते हैं ये हमारी डिलीशियस डिजाइनर टिक्की बनके तैयार हैं और ये बहुत ही ज़्यादा बनाने में इजी रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा दिया था पहले से ही, तेल हमारा गर्म हो गया है। और याद रखिए जब भी इसको आप डालिए तो थोड़ा सा तेल मीडियम फ्लेम में रहे, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। लो मीडियम गरम होगा तो आपकी ये फट भी सकते हैं, तो आप थोड़ा सा हाई फ्लेम में पहले गरम कर लीजिए फिर लो फ्लेम कर लीजिए, तो बहुत अच्छी करारी क्रिस्पी की टिक्कियाँ बन के तैयार होती हैं। अब इनको हम जब नीचे के साइड पक जाएगा तो पलटते जाएंगे, पलट पलट के अच्छे से गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे। देख सकते हैं इनका कलर कितना ज़्यादा अच्छा आया है, और इसके ऊपर जो हमने डिज़ाइन बनाया है एकदम ईजी तरीके से, वो तो देखने में ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी ये पक चुके हैं तो इसमें तेल के लिए हम थोड़ा सा टिश्यू पेपर लगा के उसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो ऑब्जर्व कर लेगा तो उसमें निकाल लेंगे। तो ये हमारा सुपर डिलीशियस सर्दी स्पेशल ब्रेड और चावल के आटे का डिलीशियस सा नाश्ता बनके तैयार है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी रहता है। अगर आपको घर पे पार्टी करनी है या बर्थडे पार्टी करना है या इवनिंग स्नैक्स के लिए सैटरडे संडे के लिए इसको बनाना चाहते हैं तो ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी होता है और खाने में इतना टेस्टी होता है कि अगर एक बार आपने बना दिया ना तो आप सबकी फेवरेट हो जाओगी। तो अगर आपको ये मेरी ब्रेड से बने नाश्ते की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसी तरीके से अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं नई रेसिपी डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फटाफट मिलते हैं अगली अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।